उत्तर भारत में अधिकांश इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब में सर्दी का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। दिल्ली के सफदरजंग में शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने उत्तर प्रदेश में बेहद घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान में अधिकांश जगहों के लिए ठंड और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ हिस्सों में कोहरे की चादर छाई है। वहीं दिल्ली, UP, बिहार के मैदानी इलाके हों या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की चोटियाँ, उत्तर भारत में अब कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। सुबह शाम घना कोहरा रहता है, दोपहर में कभी कभी सूरज के दर्शन होते हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी खास कम रहती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंड का प्रकोप क्रिसमस के बाद और बढ़ेगा। साप्ताहिक पूर्व अनुमान में IMD ने दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। IMD ने शनिवार सुबह एक ट्वीट जारी कर कोहरे पर अपडेट दिया था। मुख्य रूप से पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कोहरे की परत दिखाई गई। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा नहीं है, बिहार के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भयानक शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान साफ आसमान के साथ ठंडा शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन शीतलहर से बचाव की तैयारियां में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में क्रिसमस से मौसम और खराब होने की आशंका है। बिहार में भी प्रचंड सर्दी का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के माउंट आबू पर पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मध्य प्रदेश के नए साल पर कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मौसम से जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।